सीएम राई स्कूल सेगावा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में बीओ कार्यालय में बीओ संदीप कार्पनिस और प्राचार्य सीएम राइज स्कूल को पालकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन में बताया गया है कि सीएम राइज स्कूल में करीब 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गाँव के बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिन्हें वाहन की सुविधा के अभाव में आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कक्षा और दर्ज के अनुसार शिक्षकों की कमी एवं अध्ययन कक्षों की कमी होने के कारण बैठने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कक्षा केजी 1 व 2 के कक्षों में रंगाई पुताई कर चित्रकारी व खिलौनों की व्यवस्था करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। स्कूल को लेकर आज कुछ पालकगण ज्ञापन देने आए थे, क्या बात है? सीएम राइज स्कूल को लेकर कुछ पालकगण जिनके छोटे बच्चे सीएम राइज में भर्ती हुए वाहन की समस्या को लेकर विकासखंड कार्यालय आए थे, उन्हें इस बात से अवगत कराया गया है कि वाहन व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय से की जाना है, जिसमें एक बार टेंडर लग चुका है और दोबारा टेंडर की प्रक्रिया परिचालन में है। जब भी इसकी व्यवस्था होगी तब वाहन व्यवस्था के तहत बच्चों को जो है विद्यालय में बुलवाया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? संदीप कापंडिस, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य सीएम राइज स्कूल सेगावा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।